दयालु सामरी का खीसा। एक दिन यहूदी व्यवस्था का एगो जानकार आदमी यीशु के पास अइलन। उ सबके ई देखावल चाहत रहले कि यीशु गलत रीति से शिक्षा देत रहलन ह। यही से उ कहले कि हे गुरु, अनंत जीवन पावे के खातिर हम का करी। यीशु जवाब दिहले कि परमेश्वर का व्यवस्था में का लिखल बा। उ आदमी कहले ओमे ई लिखल बा कि अपनी परमेश्वर से अपनी कुल मन प्राण सामर्थ और बुद्धि से प्रेम राख और अपनी पड़ोसी से अपनी समान प्रेम राख। यीशु जवाब दिहले कि तू एकदम सही बाड़। यदि तू ऐसा ही करबा तो तू अनंत जीवन पाइबा। लेकिन उ व्यवस्था का जानकार आदमी लोगन के दिखावल चाहत रहले कि उनकर जीवन जिए का तरीका सही बा। यही से उ यीशु से पूछले ठीक बा तो हमार पड़ोसी के बा। यीशु ओ व्यवस्था के जानकार आदमी के एगो खीसा बतैला के द्वारा जवाब दिहले कि एगो यहूदी आदमी रहले जेवन एगो रास्ता से होके यरूशलेम से यरीहो की यात्रा करत रहले। लेकिन कुछ डाकू लोग उनके देखलन औरी उनकरी पर हमला कर दिहलन। उ लोग उनकर सब कुछ ले लिहलन औरी उनके लगभग मरला तकले पीटले। तब उ लोग चल गईलन। उकरी तुरंत बाद एगो यहूदी पुरोहित वही रास्ता से होके जात रहले। उ पुरोहित उ आदमी के रास्ता पर पड़ल देखले। जब उनके देखले तो उ रास्ता की दूसरी ओर जाके आगे बढ़ गईले। उ ओ आदमी के पूरी तरह से अनदेखा कर दिहले। एकरी बाद कुछ ही समय की बीतला पर एगो लेवी आदमी ओ रास्ता पर आइले। लेवी आदमी यहूदी लोग के एगो गोत्र के रहले जेकरी मंदिर में पुरोहित लोग का सहायता कैले रहले। उ लेवी भी रास्ता के दूसरी ओर से होके निकल गईले। उहो भी ओ आदमी के देख के अनदेखा कर दिहले। तीसरका आदमी जेवन ओ रास्ता पर आइले उ सामरिया का एगो आदमी रहले। सामरी औरी यहूदी एक दूसरा से नफरत करत रहले। उ सामरी रास्ता पर ओ आदमी के देखलन औरी उ देखलन कि उ यहूदी बाड़े। लेकिन फिर भी उ उनकरी पर बड़ा तरस खैले। तब उ उनकरी लगी गईले और उनकरी घाव पर पट्टी बंधले। फिर उ सामरी ओ आदमी के अपनी गदहा पर लाद के औरी उनके ओ रास्ता से एगो सराय में लेके गईलन जहां पर उनकर उ देखभाल कैल जारी रखले। दूसरी दिने वो सामरी आदमी की अपन यात्रा के जारी रखे के जरूरत रहे। वो सराय के मालिक के कुछ रुपया दिहलन। उ उनसे कहले कि ई आदमी का देखभाल करी हा, यदि ये रुपया के अलावा तुहार कुछ औरी रुपया खर्च होई तो वापस अइला पर हम तुहार वो खर्चा के दे दे। फिर यीशु ओ व्यवस्था के जानकार आदमी से पूछले तू का सोचत बाड़ा, ये तीनों में से के ओ आदमी का पड़ोसी के बा, का जे लुटलस औरी का जे पिटलस। उ जवाब दिहले कि उ है जे कि उनकरी पर कृपा कैलस। यीशु उनसे कहले कि तू जा औरी ऐसने करा। लूका अध्याय 10 का 25 से 37 से एगो बाइबिल का हिस्सा